हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मालदीव लुक बुक। मालदीव हॉलीडे पे मैंने जो जो आउटफिट वेयर किए थे वही सब आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या आउटफिट वहां पे वेयर किए थे। हम जब किसी हॉलीडे पे जाते हैं, कोई भी अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन जब हम प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे हिल एरिया पे जाना है या मुझे किसी बीच डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना है। अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करने के बाद ही हम उसी के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने आउटफिट डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने हॉलीडे पे क्या क्या वेयर करना है। ऐसे जब मेरा मालदीव ट्रिप फाइनल हो गया था, मुझे सब कुछ हो गया था कि हाँ मुझे मालदीव जाना है, तो उसी के बाद मैंने अपनी शॉपिंग की थी कि क्योंकि मालदीव जो है एक बीच डेस्टिनेशन है, तो उसी को माइंड में रख के मैंने अपने लिए सारे आउटफिट परचेज किए थे। बीचेस पे जो होता है कि थोड़े से ब्राइट कलर अगर हम परचेज करते हैं, कि जैसे आपने नियोन कलर आपने वियर किया है, येलो कलर वियर किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर सेकंड होता है हमारे माइंड में प्रिंट की, आपको सॉलिड वियर करने हैं या आपको प्रिंट में लेना है, तो आप सॉलिड भी वियर कर सकते हैं। और अगर प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में फ्लोरल प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं, पोल्का डॉट भी अच्छा लगता है। और थर्ड आती है फैब्रिक की बात, कि आपको किस फैब्रिक में अपने आउटफिट लेने चाहिए। तो फर्स्ट हम प्रीफर करते हैं कॉटन फैब्रिक, कॉटन के बाद आप विस्कोस ले सकते हैं, लाइक्रा ले सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि बहुत ही लाइट वो फैब्रिक होती है। क्योंकि बीचेस पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो अगर आपके आउटफिट कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हॉलीडे को अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाते। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखे मैंने अपनी ये सारी शॉपिंग की थी, अपने आउटफिट डिसाइड किए थे। तो आज की वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले एयरपोर्ट लुक से स्टार्ट करते हैं कि मैंने एयरपोर्ट पर क्या वियर किया था। जनरली तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं बाय एयर करूँ या बाय रोड करूँ, मैं जोगर सेट ही पहनना प्रीफर करती हूँ। बट अब की बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो मैंने जो ये जींस पहनी है, ये मैंने यूनिक्लो से ली थी, मैंने जाने से कुछ ही दिन पहले ली थी। ये 10 to 15 days पहले मैं यूनिक्लो के स्टोर गई थी और वहाँ पे मैंने ये जींस देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी आजकल बैगी फिट जींस, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर बैगी फिट ये जींस है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो मैंने ये जींस पहनी, इसके साथ मैंने ये येलो कलर का क्रॉप टॉप वियर किया। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ये क्रॉप टॉप भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको मंगा सकते हैं। और अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये H&M के मेरे पास येलो कलर के स्लाइडर थे, ये मैंने वियर किए और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टाइलिश मुझे ये लुक लगा और बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, क्योंकि जब आप ब्राइट कलर वियर करते हैं तो फोटोग्राफ भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ये था मेरा एयरपोर्ट लुक। नेक्स्ट मैंने ये व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, ये ड्रेस गोवा से ली थी, जो लास्ट गोवा ट्रिप था वहाँ पर ये मैं सिस्टर के साथ गई थी, तो उसने ये परचेज की थी, बहुत अच्छी लग रही थी गोवा ट्रिप पर उसने वियर की थी। फिर मैंने सोचा कि इसको एक बार मैं भी करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और ये 100% कॉटन में है और इस पे बिल्कुल हल्का सा प्रिंट है नेक लाइन पे और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसके साथ मैंने ब्लैक कलर के स्लाइडर वियर किए, साथ में हेट लगाई और एक सिल्वर कलर का नेक पीस पहना। बहुत जितनी ज्यादा ये कंफर्टेबल थी ड्रेस, उतनी उससे कहीं ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही अच्छे इसमें मैंने जो पिक्चर वगैरह क्लिक की बहुत ही अच्छी आई और बहुत ही प्यारी लगी थी ये ड्रेस भी मुझे। नेक्स्ट जो मैंने ये आउटफिट वियर किया है, ये कोट सेट मैंने मिंत्रा से लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट का कोट सेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम आया था और ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा जब मैंने ये मालदीव में वेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसमें जो स्कर्ट है, स्कर्ट बिल्कुल इसकी सुपर डुपर हाई स्लिट है, वेस्ट लाइन तक इसकी स्लिट है, इसीलिए मैंने इसके अंडरनीथ साइकिलिंग शॉर्ट्स वेयर किए थे। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आप इसको हल्का सा स्टिच भी करा सकते हैं थोड़ा नीचे तक का, कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना हो। और बहुत ही प्यारी लग रही थी, साथ में मैंने अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए एक हेट लगाई और ब्लैक कलर के स्लाइडर पहने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत सारी पिक्चर मैंने इसमें क्लिक की, मुझे बहुत प्यारी लगी है। इसको तो मैं आगे भी अपने किसी हॉलीडे पे जाऊंगी तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं वेयर करूंगी, इसका टॉप देन स्कर्ट को अलग, टॉप और जो टॉप है उसको अलग बॉटम के साथ, बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी है ये। नेक्स्ट मैंने ये येलो कलर की मैक्सी ड्रेस वेयर की थी, इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी है पहनने के बाद। इसको भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया था, ये शायद मैं ये बिल्कुल लास्ट टाइम पे डिलीवर हुए थे तो इनका शॉपिंग हॉल में आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये बैरेल लस से मैंने ली थी मिंत्रा से, अराउंड मुझे 1000 के आसपास मुझे मिली थी।
की। लाइक्रा फैब्रिक मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये वाली जो ड्रेस है ये भी बिल्कुल सुपर हाई स्लिट है। वेस्ट लाइन पे जो भी यहाँ पे स्टिचिंग होती है ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम को जो स्टिच करते हैं ये बिल्कुल वहाँ तक का हाई स्लिट है। बट बहुत ही नो डाउट बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही अच्छी इसमें फोटोग्राफ आई है। और इसके साथ भी मैंने थोड़ा सा अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए साथ में हेट लगाई और नीचे ब्लैक कलर के स्लाइडर पहने। वैसे इसका लेंथ इतनी ज़्यादा थी इसमें स्लाइडर वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहे थे, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये ड्रेस भी। नेक्स्ट जो मैंने ये आउटफिट वेयर किया है लिलन का ट्राउजर देन इसके साथ टैंक टॉप, इसको मैं ऐसे ही सेफ साइड रख के ले गई थी। एक्चुअली जब हॉलीडे की पैकिंग करते हैं तो मैं उनमें से हूँ कि जो खूब भर भर के सामान लेके जाते हैं, मतलब मेरी लाइट पैकिंग कभी नहीं होती। मुझे होता है कि मेरे आउटफिट वहाँ पे कम नहीं पड़ने चाहिए, भले ही एक दो मैं एक्स्ट्रा वापस ले। और मेरे साथ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि मेरे जो आउटफिट होते हैं ना एक या दो आउटफिट मेरे वापस ऐसे ही आ जाते हैं कि मैं उनको वेयर ही नहीं कर पाती, पर मैं अपने साथ एक्स्ट्रा रख के जरूर लेके जाती हूँ। तो ये भी मैंने ऐसे ही रखा था कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने लगे या गर्मी होने लगे। कई बार होता है कि बिल्कुल पजामा वाली फीलिंग की आपको बिल्कुल, जैसे घर में हम पजामा वेयर करते हैं कि मुझे पहनना है और बिल्कुल कंफर्टेबल मुझे फील होना चाहिए, तो उसी के लिए था। ये हुआ क्या था कि मैं फोटो वगैरह अपनी क्लिक करा रही थी ड्रेसेज में और 11-12 बजे थे, इतना तेज़ धूप थी उस दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी वहाँ पे। और बस फोटो वगैरह जैसे जैसे मैंने क्लिक कराए और उसके बाद मैं सीधा गई कि नहीं नहीं मुझे चेंज करना है, मैंने शावर लिया और बिल्कुल अपना ये लीलन का ट्राउजर उसके साथ टैंक टॉप पहना और इतना मोस्ट कंफर्टेबल था ये। और ये जो ट्राउजर मैंने लिया था ये मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से लिया था, इसके साथ जो मैंने टैंक टॉप वियर किया है मैंने H&M से लिया था और साथ में अपने इसी ट्राउजर से मैचिंग का जो मैंने फुटवेयर पहने ये मैंने बाटक से परचेज किए थे। अभी बिल्कुल मेरी एंड मोमेंट पे मैंने परचेज किए थे कि पानी वगैरह में जाना हो तो उस टाइप से। और ये भी मेरा बहुत ही प्यारा आउटफिट मुझे लगा है, क्योंकि अगर आपका आउटफिट कम्फर्टेबल है तो वो प्यारा ही लगता है। नेक्स्ट मैंने अपने साथ कैरी की थी ये बॉडीकॉन ड्रेस, ये भी मैंने मिंत्रा से ली थी। ये किस ब्रांड की थी ये आप देख सकते हैं, ये एथीना ब्रांड की थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है पहनने में, वहाँ गर्मी की वजह से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ये पॉलिएस्टर भी नहीं है, इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है। पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक थी। और क्योंकि आजकल अगर हम कलर्स की बात करें कि 2021 में जो कलर्स ट्रेंड में रहेंगे तो उनमें से एक ये जो डार्क ऑरेंज कलर है, न्यून ऑरेंज कलर है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसके साथ मैंने व्हाइट शूज़ कैरी किए और साथ में लगाई बेसबॉल कैप, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही मतलब कंफर्टेबल उतना नहीं थी बट प्यारी बहुत लग रही थी, फोटोग्राफ में बहुत अच्छी आई है और वीडियो वगैरह इसमें जो शूट कराई है वो अच्छी आई है। पहनने में थोड़ी सी इसमें मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने पिक वगैरह क्लिक करा के इसको जल्दी से मैंने चेंज कर दिया था 1-2 घंटे में ही। और नेक्स्ट जो लुक है इसमें मैंने ये H&M से स्कर्ट ली थी, मैंने स्कर्ट पहनी है। ये थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर में स्कर्ट है, वाइट एंड ऑरेंजिस कलर में फ्लोरल प्रिंट में। और इसके साथ मैंने ये सॉलिड वाइट क्रॉप टॉप वियर किया है जो मैंने ज़ारा से लिया था। और ये ड्रेस देखने में पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट फोटोग्राफ इसमें उतने अच्छे नहीं आए जितनी अच्छी ये ड्रेस लग रही थी। बाद में मुझे फील हुआ कि हाँ कि आप जब किसी बीच डेस्टिनेशन पे आते हैं तो आपके जो आउटफिट के कलर हैं वो थोड़े से ब्राइट और डार्क होने चाहिए तो ही बीच पे जो आप फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। या बिल्कुल आप सॉलिड वाइट कलर का आउटफिट वेयर कर सकते हैं, वो भी बीच पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट इसका जो ये लाइट शेड था स्कर्ट का और फ्लोरल प्रिंट इसमें बहुत ज़्यादा छोटा था, और उसके साथ जो मैंने वाइट कलर का क्रॉप टॉप वेयर किया देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट फोटोग्राफ इसमें उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम मैं जितने भी आउटफिट लेके जाऊँगी थोड़े समय सारे ही आउटफिट में डार्क शेड में रखूंगी कि उसी में फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छे आते हैं। जो नेक्स्ट मैंने वेयर किया वो मैंने डेनिम शॉर्ट्स वेयर किया। अब की बार मैंने ब्लू शॉर्ट्स के कंपैरिजन मैंने सोचा हुआ था कि मैं या तो ब्लैक लेके जाऊंगी या वाइट लेके जाऊंगी, तो जब मैं H&M पे गई मुझे ब्लैक कलर का शॉर्ट्स वहाँ पे हाई वेस्ट में मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पतली सी फैब्रिक में है क्योंकि डेनिम आपकी जैसे एक मोटी सी फैब्रिक आती है थोड़ी सी पतली सी फैब्रिक में आती है, तो थोड़ी सी थिन सी फैब्रिक है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस ये हाई वेस्ट में बहुत ही अच्छा इसका फिटिंग आ रहा था। इसके साथ मैंने ये फैब्रिक 100% कॉटन में शर्ट कैरी की, बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में ब्लैक कलर के मैंने स्लाइडर कैरी किए। फिर इवनिंग में मुझे थोड़ा सा सनसेट व्यू के साथ फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कराने थे, तो इसीलिए मैंने जो स्कर्ट के साथ ज़ारा का क्रॉप टॉप पहना था वो मैंने शॉर्ट्स के साथ वेयर किया, क्योंकि जब आप सनसेट के साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं बैक साइड से क्लिक कराते हैं तो आउटफिट आपका बिल्कुल वेल फिटेड होना चाहिए, पीछे से उतना अच्छा नहीं आता। तो अगर मैंने शर्ट वगैरह पहनी होती तो वो थोड़ी लूज फिट में थी तो बैक साइड से फोटो उतने अच्छे नहीं आते, इसलिए मैंने चेंज करके जो स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप वेयर किया था वो मैंने वेयर किया और इसके साथ फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। नेक्स्ट मैंने जो वियर किया है ये मेरे जो मैंने अपने बर्थडे पे ड्रेस ली थी मैंने नाइट के लिए,
तो वही मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा अगर वहाँ पे, क्योंकि उस दिन मैंने पहनी थी 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद से ही रखी हुई थी, तो मैंने इसलिए रख ली थी कि कैंडल लाइट डिनर या थोड़ा सा कुछ पार्टी वार्टी का बने, एक ड्रेस आपके साथ होनी, आपके पास होनी चाहिए, या तो फॉर्मल गाउन या कुछ उस टाइप की ड्रेस, थोड़ी सी जो थोड़ी सी होती है ना कि नाइट में थोड़ा सा जो फैब्रिक होता है थोड़ा शाइन वाला, कि नाइट में पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने रख लिया था। फिर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैं इसको ले गई थी तो मैंने वियर किया और इसमें 2-4 पिक्चर मैंने क्लिक करा ली। मैंने कहा चलो लेके आई हूँ तो क्लिक कराई लेती हूँ, तो पिक्चर वगैरह इसमें अच्छी आ गई थी। ज़्यादा पिक्चर मैंने क्लिक नहीं कराई इसमें, 4-5 पिक्चर ही मैंने क्लिक कराई थी, तो ये तो मैं सेफ साइड ऐसे ही रख के ले गई थी, तो ले गई तो मैंने फिर वियर ही कर ली। सो ये हो गए आउटफिट। इसके अलावा मैं 2 सेट बिकनी के रखे थे, आप 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। तो मुझे लगता है कि 2 सफिशियंट है, क्योंकि हमारा 4 नाइट का ही ट्रिप था, तो 2 सेट मैंने बिकनी के रखे थे, और उसके साथ मैंने 2 कवर अप रखे थे। तो ये हो गए थे जो भी आप स्विम वेयर अपने रखते हैं। और इसके अलावा अब हम जब उधर से चले हैं तो हम एयरपोर्ट लुक की बात कर लेते हैं। तो आते टाइम मैंने जोगर सेट ही वेयर किया था। मैंने ये जो लेवेंडर कलर का जोगर सेट है, ये पूरा टी शर्ट एंड जोगर, ये मैंने H&M से लिए थे। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना सुपर डुपर कंफर्टेबल है, कि जितना भी सेट मेरे पास जोगर सेट है, जितना भी मेरे पास ट्रैक पैंट है, मेरे पास आई थिंक 8 to 9 जोगर सेट और ट्रैक पैंट है जो भी मैं परचेज करती हूँ। मैं जब किसी होलीडे पे जाती हूँ ना, तो एक जोगर सेट मैं ज़रूर अपने लिए परचेज कर लेती हूँ, कि पुराने वाला रखा है कि चलो एक नया ले लेते हैं अपने एयरपोर्ट लुक के लिए। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर आप H&M पे जाते हैं तो ये ज़रूर देखिएगा। ये 3 कलर में वहाँ है, 3 या 4 में, जो मैं और भी परचेज करने वाली हूँ। इसका मैं येलो कलर भी परचेज करने वाली हूँ, जो भी पेस्टल येलो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है उसमें भी है ये बबल गम पिंक जो आता है उसमें है, एक ये लेवेंडर कलर था, एक आई थिंक व्हाइट कलर में भी ये है, व्हाइट कलर में भी है। बहुत ही प्यारा सेट है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। 1 to 99 का ये जोगर था और आई थिंक 3 99 की टी शर्ट थी। तो ये मैंने पहना था आते टाइम एयरपोर्ट के लिए। तो यही सब थे मेरे आउटफिट जो जो मैंने वहाँ पे वियर किया, जिस टाइप से मैंने अपना लुक क्रिएट किया। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।